ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक प्रथम अध्याय से चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। पिछला वीडियो में हम 2 नंबर से 6 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। अथ प्रथमोध्याय। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजतम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। तो दुर्योधन, अब पहले पांडवों की जो सैन्य की व्यूह रचना की गुणगान किए उसके बारे में सबको बताए। अब क्योंकि जो कौरव पक्ष के जो सेना है वो कहीं डिमोरलाइज ना हो जाए, उनके उत्साह में कमी ना पड़ जाए, इसलिए अब जो है वो क्या करेंगे, दुर्योधन क्या करेंगे कि कौरव पक्ष की जो सेना है उसकी उसका जो महिमा का गान करेंगे, उसका जो व्यूह रचना का और उसमें जो रथी महारथी है उनके नाम लेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब द्रोण को कह रहे हैं, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। 8 नंबर श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामाभिकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। कौन कौन है मेरी सेना में? स्वयं आप द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ पे द्रोण के बारे में तो बता रहे हैं और भीष्म पितामह तो उस समय सबसे पराक्रमशाली और जो है बड़े एक्सपर्ट वो सैनिक थे, बड़े दक्ष थे युद्ध विद्या में। कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण का नाम क्यों ले रहे हैं दुर्योधन, जबकि 100 पुत्र है, उनके और भी 99 भाई है, तो सिर्फ विकर्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो विकर्ण है ये जब द्रौपदी महारानी का जो वस्त्र हरण करने के प्रयास किया जा रहा था उस समय ये विकर्ण जो है बड़े ना वहाँ पे जो है विरोध किए थे, और कहीं ये विकर्ण जो है धर्म के प्रभाव में आकर मतलब कहीं पार्टी चेंज करना ले, कहीं ये कौरव पक्ष से पांडव पक्ष को के ओर चले ना जाए, इसीलिए वो स्पेशली विशेष रूप से विकर्ण का नाम ले रहे हैं। 9 नंबर श्लोक। अन्य च बहवः श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। यहाँ पे दुर्योधन पहले से ही संकेत कर रहे हैं कि ये मेरे लिए मरेंगे ही। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे बड़ा कूटनीति के हिसाब से दुर्योधन कह रहे हैं कि जो पांडवों का जो सेना है वो क्या है, अपर्याप्तम है। ऐसा लग रहा है कि हाँ
बड़ा बड़ा सीमित है। और क्यों? क्योंकि उसको जो है भीम जैसे भीष्म पितामह से कम अनुभव वाले योद्धा के द्वारा वो संरक्षित हो रहा है। लेकिन हमारे जो सेना है वो बहुत ही अनुभवी पराक्रमशाली भीष्म पितामह के द्वारा ये संरक्षित है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो वो भीष्म पितामह को एक मैसेज दे रहे हैं और द्रोण को और एक मैसेज दे रहे हैं। देखिए ये जो शब्द है, ये शब्द का दो मीनिंग हो सकता है। एक तो है अपर्याप्तम तदास्माकम भलम भीष्मा भिरक्षितम, हमारे जो सेना है वो तो अपर्याप्त है। तो ये किनको कह रहे हैं? भीष्म पितामह के द्वारा सबको कह रहे हैं, लेकिन द्रोण को अलग मैसेज जा रहा है। द्रोण को कह रहे हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भीष्म पितामह है इनका ज़्यादा ज़्यादा इंक्लाइनेशन जो है, ज़्यादा झुकाव किनके प्रति है? पांडवों के प्रति है। जब एक व्यक्ति का झुकाव रहेगा तो वो कैसे पूरे क्षमता से युद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए द्रोण को एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको इसको ध्यान रखना होगा। और जो भीम, हालांकि अनुभव उनका कम है क्योंकि उनका कोई झुकाव नहीं है हमारे प्रति, तो इसी कारण वो क्या है, वहाँ पे जो उनका जो सेना रचना है वो क्या है, वो पर्याप्त है, उनके लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे एक शब्द का दो मीनिंग आ रहा है, और एक मीनिंग भीष्म पितामह के लिए और एक मीनिंग जो है जा रहा है द्रोण के लिए। और दुर्योधन जो है बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि ये जो भीष्म पितामह, द्रोण, ये सब जो है मेरे लिए जरूर युद्ध करके मुझे विजय हासिल करेंगे, क्योंकि ये लोग द्रौपदी महारानी के जो वस्त्र हरण के समय में ये लोग कुछ नहीं कहे थे, अपना मुंह नहीं खोले थे, इसलिए वो एक आशावादी है। 11 नंबर श्लोक, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े होकर रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। इसी कारण कि एक तो भीष्म पितामह का झुकाव है, और दूसरा क्या है कि भीष्म पितामह भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो है उनको सहायता की ज़रूरत है, इसलिए आप सभी जो है उनको क्या करें, सहायता दे। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है ये दुर्योधन सभी को सूचित कर रहे हैं, और इसके आगे फिर युद्ध के लिए शंखनाद शुरू होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।